आज के समय का प्रवाह ही कुछ ऐसा है कि अधिकांश व्यक्तियों के मन पर, मस्तिष्क पर काम ने अपना नियंत्रण बना लिया है। निरंतर वो गलत प्रकार के चित्र देखना, गलत प्रकार के संग करना, गलत विचार करना, गलत प्रकार के संबंधों के प्रति आसक्त रहना या गलत प्रकार के संबंध बनाना, इन्हीं सब चीज़ों में निरंतर लगा रहता है और इनमें ही वो सुख देखता है। उसे नहीं पता कि ये जो मार्ग है ये निश्चित रूप से उसे पतन की ओर लेकर के जाता है, अंधकार की ओर लेकर के जाता है। जो व्यक्ति इन विषयों के प्रति सजग है और ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं, उनके पास अवसर है, लेकिन आप समझें कि अधिकांश व्यक्ति अभी भी उसी मार्ग पर लगे हुए हैं। जो व्यक्ति उस मार्ग पर लगे हुए हैं उन्हें भी एक समय के बाद बोध होगा और लगेगा कि ये मार्ग ठीक नहीं, लेकिन तब तक वो अपना काफ़ी नुकसान कर चुके होंगे। जो आज व्यक्ति सजग है नुकसान वो भी कर चुके हैं। नुकसान कर चुके हैं तो उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या जो हमने ब्रह्मचर्य नाश से हानि की है उसकी भरपाई की जा सकती है। प्रश्न आता है कि कितने समय में उसकी भरपाई हो सकती है, किस प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं। इन्हीं विषयों पर आज हम इस मार्गदर्शन के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कितने दिन में होगी। इसे आप ऐसे समझे जैसे आपके घर में कुछ कपड़े होते हैं, कुछ वस्त्र ऐसे हैं जिनको आप धारण करते हैं। एक वस्त्र ऐसा है जिसका आप सफाई के लिए प्रयोग करते हैं, एक वस्त्र ऐसा है जिसको आप बहुत कहीं गंदा है वहां प्रयोग करते हैं, रसोई घर में प्रयोग करते हैं, इस प्रकार का एक वस्त्र है। अगर इन वस्त्रों को साफ करने की बात करते हैं तो क्या ये वस्त्र एक जैसे प्रयास से, एक जैसे समय में साफ हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वस्त्र आप धारण करते हैं वो तो आसानी से साफ हो जाएगा, जिससे आप सफाई करते हैं उसे साफ करने में समय भी अधिक लगेगा, ऊर्जा भी अधिक लगेगी, और जो वस्त्र बहुत ज्यादा गंदा है उसे साफ करने में परिश्रम लगेगा, समय भी लगेगा, ऊर्जा भी लगेगी, और विशेष प्रकार के डिटर्जेंट का भी आपको प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, हमारे पास अनेक प्रश्न आते हैं, अनेक बंधु आते हैं कि हमने एक वर्ष तक निरंतर ब्रह्मचर्य का नाश किया, कुछ कहते हैं कि हमने एक महीने में एक बार नाश किया, कोई कहते हैं कि हमने रोज नाश किया ब्रह्मचर्य, कोई कहते हैं कि एक दिन में कई बार भी हमने ऐसी क्रियाएं की, तो क्या इन लोगों को जो हानि हुई है वो समान स्तर पे हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को कम हानि होगी जिसने कम गलत क्रियाएं की, किसी को ज्यादा होगी जो ज्यादा इन गलत क्रियाओं में लगा रहा। क्या इनकी भरपाई जो होगी वो एक जैसे समय में हो सकती है? आपका भी यही उत्तर होगा कि एक जैसे समय में भरपाई नहीं हो सकती है। जिसने हानि ज्यादा की है उसको समय ज्यादा लगेगा, जिसने हानि ज्यादा की है उसे विशेष रूप से नियमों का पालन करना होगा, धैर्य रखना होगा। जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मैंने कितनी गलत क्रियाएं की हैं, क्या मेरी स्थिति रही है, तो आपके मन में एक धैर्य होगा कि मैंने गलती ज्यादा की है तो मुझे समय भी ज्यादा लगेगा। तो आप ये समझें कि अपना मूल्यांकन खुद आप कर सकते हैं, जैसी आपकी स्थिति रही उसी के अनुरूप आपको समय लगेगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि एक साल का अगर निष्ठा से पालन कोई व्यक्ति करता है तो उसे अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। जो संयम से चला है फिर भी कुछ, उसे तो बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, जीवन बदला हुआ अनुभव होगा, लेकिन जो संयम से नहीं चला है लाभ उसे भी मिलेंगे। अब यहां पर हमारा दूसरा बिंदु आता है। दूसरे बिंदु पे हमें ये प्रश्न मिलते हैं कि हमने एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उससे ज्यादा भी किया, लेकिन हमें लाभ देखने को नहीं मिले, इसका क्या कारण है? ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आप ऐसे समझें जैसे आपको चोट लग जाती है, आपके हाथ में चोट लग जाती है, आप डॉक्टर से पूछते हैं कि इस चोट के ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर आपको बताता है कि इसे ठीक होने में एक महीने का समय लगेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, उस चोट की जहां पर घाव हुआ है उसकी सफाई नहीं रखते हैं, उस पर मक्खियां बैठ रही हैं, बैक्टीरिया वहां पर फैल रहे हैं, साफ आप नहीं रख रहे हैं उसे, और उसे आप बीच बीच में कुरेद भी रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, वहां से दोबारा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और जितनी आपको वो चोट लगी थी उससे और ज्यादा वो बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार से आप समझें, जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिस प्रकार से उस चोट को साफ रखने की जरूरत है, इसी प्रकार से उसे अपने मन को साफ रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से वो उस चोट को अगर कुरेदेगा तो उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा, इसी प्रकार से अगर आप अपने मन को कुरेदेंगे तो जो आपके मन में गलत संस्कार
संस्कार, गलत विचार पहले से बैठे हुए हैं, स्मृतियां बैठी हुई हैं, वो वापस से आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। और जब इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का विचार बने रहते हैं तो ऐसी स्थितियों में जो ऊर्जा है उसका अधोगमन होता है। और जब वीर्य का अधोगमन होना शुरू हो जाता है तो समझे आपके भले ही आप कोई क्रिया ना करें, आपके कोई क्रिया ना करने के बावजूद भी वीर्य शरीर से बाहर जाने का माध्यम ढूंढ ही लेगा, क्योंकि आपके विचार गंदे, आपकी जो सुख बुद्धि है वो उन्हीं विचारों में बनी हुई है, जो क्रियाएं आपने पहले की हैं। ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर आपके मन में विचार आया और आपने प्रयास पूर्वक संकल्प से प्रभु के नाम से उसे वहीं का वहीं समाप्त करने की कोशिश की, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन गलत विचारों में आप सुख नहीं ले रहे हैं, रस नहीं ले रहे हैं, तो कहेंगे कि आप साधक हैं, आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुख ही उन विचारों में देख रहे हैं तो अब मैं कहूंगा कि आप ब्रह्मचर्य में नहीं हैं, आप केवल दिखावा कर रहे हैं। तो जो दूसरा हमारा बिंदु है, ब्रह्मचर्य का फायदा क्यों नहीं मिला, तो ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं मिलता है जो क्रिया तो रोकते हैं लेकिन चिंतन नहीं रोकते, और बार बार विचारों को कुरेद कर उन्हें दोबारा से खड़ा नहीं करना है अपने सम्मुख। तीसरे स्थान पर आप समझें कि जो आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रचारित की जाती हैं कि ब्रह्मचर्य नाश से कुछ नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक है, अगर आप नहीं करेंगे तो स्वतः हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हानि हो जाएगी, ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ करके अपने सिद्धांतों पर लौटना होगा, अगर अपने सिद्धांतों पर नहीं लौट रहे हैं तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दें। फिर आप कुछ समय तक संकल्प कर लेंगे, अगर आपने महीना दो महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, उससे कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाले नहीं है। आप जबरदस्ती किसी क्रिया को रोकेंगे तो फिर से जब आप क्रिया में संलग्न होंगे तो ज्यादा वेग से संलग्न होंगे, और जो आप सोच रहे हैं कि मैंने दो महीने का जो ब्रह्मचर्य पालन किया इससे लाभ किया, इससे अधिक आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपने विचारों का दमन किया है वो आपको और परेशान करेगा। दमन नहीं करना है, सहज मोड़ना है, और मोड़ने के साधन कहां है, इस सनातन संस्कृति में है, तो संस्कृति से तो जुड़ना ही होगा अगर आप ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहते हैं। अब इस विषय को भी एकाग्रता पूर्वक समझें, इस पर हमने पहले भी संकेत किया है। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं। सबसे पहला होता है रस, जो कि हमारे भोजन का रस के रूप में अवशोषण होता है। दूसरा होता है रक्त यानी कि ब्लड। तीसरा होता है मांस यानी कि मांसपेशियां। उसके बाद होता है मेद यानी कि फैट जो होता है आपके शरीर का। उसके बाद होती है अस्थि, बोन्स आपकी। फिर उसके बाद होता है मज्जा, बोन मैरो। और यहां तक अगर आप विज्ञान से पूछते हैं कि क्या रक्त की आवश्यकता है शरीर को चलने के लिए, कहेंगे कि हाँ भाई रक्त की तो आवश्यकता, ब्लड के बिना तो नहीं चलेगा शरीर। क्या बोन मैरो की आवश्यकता है कि बिल्कुल आवश्यकता है। क्या मांसपेशियों की आवश्यकता है कि हाँ उसकी भी आवश्यकता है। क्या फैट की आवश्यकता है कि हाँ उसकी भी आवश्यकता है। और अगर आप कहें कि क्या वीर्य की आवश्यकता है, कहेंगे कि नहीं उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं, उसको निकाल दो। अगर आप रोज अपने रक्त को बहाते रहेंगे तो क्या वो ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप रोज जो वीर्य है आपका उसका स्खलन करते रहेंगे, उसको बहाते रहेंगे, क्या ठीक है। आपको अपना दिमाग लगाना होगा, जितने जितने ये धातु आगे की ओर बढ़ते हैं उतने ही सूक्ष्म होते जाते हैं, उतने ही ज्यादा जरूरी होते जाते हैं। और जो आपका अंतिम धातु है जिसे शुक्र कहा गया है वो सर्वाधिक उपयोगी है। अगर उस जीवनी शक्ति को आप शरीर से बाहर करते हैं तो आप फिर कुछ भी कर लें, आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होगी, आपके विचार उतने विकसित नहीं होंगे, आध्यात्मिक प्रगति कुछ भी नहीं होगी, भावनात्मक तल पर आप गिरते हुए चले जाएंगे, आप निरंतर निराशा, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते चले जाएंगे। और समझे आपके अगर आपने उस ऊर्जा को खो दिया जो ऊर्जा आपको विशेष बनाती है, मनुष्य बनाती है, तो समझे आपके फिर तो पशुवत ही जीवन हो जाता है। और जो दूसरे प्रभाव है उसकी तरफ हम क्या बात करें, क्योंकि वो आप अनुभव कर चुके हैं, जो आपके चेहरे पर, जो आपकी बल की कमी, जो आपके जो वाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है, उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, वो आपको पता ही है। तो इस बात को सजगता पूर्वक अपने मन में बिठा लेना कि जो हमारे सिद्धांत है वहां पर जो बताया गया है उसके अनुसार चलना है मुझे, और वही मेरे लिए कल्याणकारी है, तो आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। अब ये जो आपके लिए मार्ग खुला है और आपको निष्ठा हो गई है ब्रह्मचर्य की तरफ, अब हमारा अंतिम बिंदु आ जाता है, वो आता है संकल्प। मैं एक बड़ी जो भूल करते हैं हमारे बंधु, उसके विषय में ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। हमें बहुत सारे कमेंट प्राप्त होते हैं कि हम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि 1 साल तक ही क्यों,
एक साल के बाद आपने अभी से अपने मन में यह बिठा लिया है कि बस एक साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लूं, फिर तो मैं ब्रह्मचर्य से बाहर हो जाऊंगा, फिर तो मैं मनमाने आचरण करूंगा, जो ये आपने मन को ढील दी है कि एक साल के बाद में ये सब करूंगा, समझे आपका मन आपको किसी ना किसी तरीके से राजी कर लेगा कि एक साल की क्या बात है, अभी करें। यानी कि अगर आप एक साल का संकल्प कर रहे हैं तो आपने ये ढील छोड़ दी, ये संभावना छोड़ दी कि करना तो है कि बस ये एक साल पूरा हो जाए फिर करूंगा। ये जो दृष्टिकोण है ये ठीक नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की स्थिति नहीं है। जिसको ठीक से समझ आ गया है वो तो ये कहेगा कि बस अब तक जो हानि हुई हुई, अब आगे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जब तक मेरा विवाह नहीं होता है, जब तक मैं विधान में नहीं आता हूं, ग्रस्त जीवन में नहीं आता हूं, तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और उसके बाद भी मैं संयम से जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है उसके अनुसार ही चलूंगा। अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति का संकल्प है तो समझें कि ठीक संकल्प है, अन्यथा ठीक संकल्प नहीं है। जो कहते हैं एक महीना, दो महीना, तीन महीना, साल भर, दो साल, ये उचित नहीं है, क्योंकि आपने मन को ढील दी हुई है कि बस ये पूरा हो जाए फिर करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि इन विषयों में कोई सुख नहीं है, जब तक इसमें आप सुख मानेंगे तब तक आपको ये खींचता रहेगा, भ्रष्ट करता रहेगा। आपको अगर इतना समझ में आ जाता है और ठीक प्रकार का आप आचरण करने लगते हैं तो अब ब्रह्मचर्य से भरपाई करना और अब स्थितियों को ठीक करना दूर नहीं है। एक वर्ष में लाभ दिखेंगे, जो दूसरा हमारा नियम है कि मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरे स्थान पर जो गलत प्रकार की भ्रांतियां हैं उनसे दूर होना है, और जो संकल्प करना है वो ठीक संकल्प करना है। ठीक संकल्प ये नहीं कि इतने समय तक, ठीक संकल्प ये कि जब तक ग्रस्त जीवन में नहीं जाता हूं, या अगर ग्रस्त जीवन में नहीं जा रहा हूं तो आजीवन का संकल्प कर सकता है व्यक्ति। कैसे निभाएगा वो प्रभु पर छोड़ें, आगे हम साधन बताएंगे कि किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और कभी कोई बाधा भी आपको विशेष अनुभव नहीं होगी। संभव है, जो कहते हैं कि संभव नहीं है भूल में है, संभव है, वो हम आगे इस पर बात करेंगे। अगर इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने इस विषय की जिज्ञासा आप रख सकते हैं, तो हम भविष्य में इस विषय पर आपको विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। अपेक्षा है कि जो चीजें मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया वो ठीक प्रकार से आपको समझ में आई होंगी और आप जीवन में प्रयोग करके उनसे लाभ भी लेंगे। अगर ये चीजें समझ लेते हैं तो ब्रह्मचर्य को ठीक से समझा, अन्यथा प्रयास करते रहे लेकिन ना कोई लाभ प्राप्त हुए और ना ही कोई किसी प्रकार की ऊर्जा जीवन में दिखाई दी, दिव्यता जीवन में दिखाई दी, इस प्रकार की स्थितियों में नहीं पड़ना है आपको। ठीक से ब्रह्मचर्य को पालन करना है और ठीक से लाभ प्राप्त करने हैं। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।